So good morning friends, welcome to PT classes. Today a very important session for all those who are preparing for physical education teacher. I hope this session is going to be very fruitful for all of you. I hope हमारे दोनों channels PT classes और interview guide आप enjoy कर रहे हैं और बहुत से videos देख रहे हैं. तो first of all welcome Mr. Surinder. Thank you sir. Surinder, you are from Gwalior. Yes sir. And here we have two candidates. They are also going with the same pattern. One is Mr. Rajkumar and Rajkumar is from Jaunpur. Next we have Mr. Amit. Amit is from Sonipat. Okay. Can you explain what do you mean by the word physical education? Yes, sir. Carry on. Physical education is a process in which physical and mental and social development of any individual can occur. Okay. यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति जो भी सीखता है वो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है और हम कह सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से सीखता है. ओके चलिए, मैं बहुत से आज कुछ यूनिक और टेक्निकल क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा और मेरे पास फिजिकल एजुकेशन की कैंडिडेट्स हैं तो ऑब्वियस है ये भी आपसे बहुत से क्वेश्चंस पुट अप करेंगे. ओके सर, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि SAI इसके बारे में क्या जानते हैं? SAI का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसका निर्माण 25 जनवरी 1984 में किया गया था. यह एक ऐसी संस्था है जो खेल मानव विकास खेल मंत्रालय के अधीन आती है और यह राष्ट्रीय स्तर के लिए खिलाड़ियों को तैयार करती है. एडमिशन के बाद जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बेस्ट ट्रेनिंग दी जाती है जैसे कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर के लिए कॉम्पिटिशन के लिए तैयार किया जा सके. ओके, और SGFI से आप क्या समझते हैं? SGFI का फुल फॉर्म है स्कूल गेम्स एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया. ओके, यह राष्ट्रीय स्तर पर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराती है. right. और यह एशियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन एंड इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन से एफिलिएटेड है और यह बॉयज एंड गर्ल्स के लिए कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराती है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है ग्रास रूट टैलेंट को इम्प्रूव करना. ओके, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से आप क्या समझते हैं? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से का तात्पर्य है कि एक खिलाड़ी को खेल के दौरान कई प्रकार की मानसिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि हार का अनुमान और जीत की खुशी, तो उन सभी मानसिक स्थितियों का अध्ययन करना ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहलाता है. ओके, और क्या आप फिटनेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल. फिटनेस से तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी उस स्ट्रेंथ से है कि अगर कोई व्यक्ति को कार्य करने के बाद उसको अलग से कोई टास्क दिया जाता है उस टास्क को वो उसी एफर्ट के साथ बिना थकान के पूरा करता है. okay. इसका तात्पर्य उसकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है. चलिए, मैं हमारी उत्तर प्रदेश कैंडिडेट को चांस देता हूँ. ओके सर, तो राजकुमार हैव योर क्वेश्चन. मिस्टर सुरेंद्र, आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज प्लेइंग रिक्रिएशनल गेम्स सच एज बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोज एंड लाइव स्पोर्ट्स मैचेस एंड आई ऑल्सो एक्सप्लोर न्यू कल्चर. ओके, आप NBS ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? ओके सर, मैं भी एक नवोदय का छात्र रहा हूँ और मेरे बड़े भाई भी नवोदय विद्यालय के छात्र रहे हैं और वर्तमान में वह खेल अधिकारी की पोस्ट पर कार्यरत हैं नीमच डिस्ट्रिक्ट में. उन्हीं से मुझे स्पोर्ट्स में आने की प्रेरणा मिली थी और नवोदय एक ऐसी संस्था है जिसमें स्पोर्ट्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के टैलेंटेड स्टूडेंट्स आते हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और मेरा शुरू से ही नवोदय से काफ़ी लगाव रहा है. कुछ अपने शहर के बारे में बताइए. ग्वालियर भारत के मध्य राज्य मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जिसकी स्थापना राजा सूर्यसेन द्वारा की गई थी और इसका नामकरण गालव ऋषि के नाम पर हुआ था. ग्वालियर में काफ़ी ऐतिहासिक प्लेसेस हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि ग्वालियर का किला जो कि राजा सूर्यसेन द्वारा बनवाया गया था और कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि पहले हॉकी का स्टेडियम था और बाद में इसको क्रिकेट के स्टेडियम में कन्वर्ट कर दिया गया था. क्रिकेट इतिहास का सबसे पहला दोहरा शतक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर द्वारा इसी ग्राउंड में बनाया गया था जो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था और भारत के महान संगीतज्ञ तानसेन का भी जन्म ग्वालियर में हुआ था. उनका मकबरा के लिए भी ग्वालियर को काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है और उन्हीं के लिए ग्वालियर को तानसेन नगरी के नाम से भी जाना जाता है. और भारत का प्रतिष्ठित खेल संस्थान LNIPU ग्वालियर में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है, उसके लिए भी ग्वालियर काफ़ी प्रसिद्ध रहा है. और जीवाजी पैलेस जिसका निर्माण महाराज जीवाजी राव सिंधिया द्वारा किया गया था, इसके लिए भी ग्वालियर को काफ़ी जाना जाता है. बैलेंस डाइट से आप क्या समझते हैं? बैलेंस डाइट से तात्पर्य ऐसी डाइट से है जो कि खिलाड़ियों की या इंडिविजुअल की शरीर की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरी कर सके, जैसे कि उसकी बॉडी में
कि रिक्वायरमेंट के अनुसार जो टूट फूट होती है और बॉडी की इम्प्रूवमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्रकार की वो रिक्वायरमेंट होती है फूड में, उसको पूरा कर सके, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। चलिए अब मैं चांस दे रहा हूँ हमारे कैंडिडेट को नेक्स्ट, अमित को। अमित इज फ्रॉम हरियाणा एंड ही इज अ गुड रेसलर ऑल्सो, इंटरनेशनल खेले हुए हैं, इसके अलावा जूडो चैंपियन है। चलिए अमित, हैव योर क्वेश्चन प्लीज। सुरेंद्र सर, आप ये बताइए कि पहले खेलो इंडिया गेम कब शुरू हुए? पहले खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम में 2018 में की गई थी। एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स की दो कैटेगरीज होती हैं, अंडर 17 कैटेगरी जो कि स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए होती है और अंडर 21 कैटेगरी जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए होती है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 1000 उत्कृष्ट छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें आने वाले 8 साल तक 5 लाख तक की स्कॉलरशिप दी जाती है, जिससे कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जा सके। और इसका उद्देश्य है जमीनी स्तर से प्रतिभावान खिलाड़ियों को खोजना और उनको एक अच्छा मंच देना, जिससे कि अपने को अपने हुनर और कौशल को निखार सकें। अभी करंट में कुछ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं, उसमें से रेसलिंग का एक प्लेयर है, किसको दिया गया? रितु फोगाट। चलिए IOC के बारे में बता सकते हैं? जी सर, IOC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जिसका निर्माण 23 जून 1894 को किया गया था। और यह ऐसी वर्ल्ड की ऐसी संस्था है जो वर्ल्ड के सभी एथलेटिक्स इवेंट को ऑर्गेनाइज कराती है, और इसका कंपटीशन हर 4 साल में होता है। IOA के बारे में कुछ बताइए। IOA का फुल फॉर्म इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसका निर्माण 1937 में किया गया था, और यह इंडिया की संस्था है जो इंडिया के सभी इंटरनल स्पोर्ट्स कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराती है और प्लेयर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के इवेंट्स के लिए उन्हें भेजती है पार्टिसिपेट करने के लिए और उनको मैनेज करती है। ओलंपिक झंडे के बारे में विस्तार से बताइए। जी सर, ओलंपिक झंडे का निर्माण फादर डिडान द्वारा किया गया था 1913 में। ये एक सफ़ेद दूधिया कलर का कपड़ा होता है, जिसकी लंबाई 3x2 होती है और इस पर 5 रिंग होते हैं। जो 5 रिंग होते हैं वो 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं और यह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि वो उनकी यूनिटी को दर्शाते हैं। और 5 रिंग के कलर अलग अलग हैं, जो कि 5 महाद्वीप के अलग अलग शो करते हैं। जो सबसे पहली रिंग है वो नीले कलर की है, जो यूरोप महाद्वीप को दर्शाती है, और दूसरी रिंग है वो पीले कलर की है, जो एशिया महाद्वीप को दर्शाती है, और तीसरी है वो काले कलर की रिंग है, जो अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाती है, और चौथी है वो हरे कलर की है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाती है, और 5वीं लाल है, जो उत्तरी अमेरिका को दर्शाती है। ओलंपिक के बारे में बताइए कुछ हमें। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 BC में हुई थी, लेकिन उनको वो हाँ जी 394 AD में बंद कर दिया गया था। और वर्तमान जो ओलंपिक हैं उनकी शुरुआत 1896 में हुई थी, और इनकी शुरुआत का श्रेय फादर वो बैरन पियरे डी कुवार्टिन को जाता है, उनको ओलंपिक का पितामह भी कहा जाता है। और यह प्रतिवर्ष 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। प्रथम ओलंपिक 1896 में एथेंस में हुए थे, और आगामी ओलंपिक गेम्स 2021 में टोक्यो जापान में होंगे, जिनका मोटो है यूनाइटेड बाई इमोशन। ओके, एथलेटिक्स से आप क्या समझते हैं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। एथलेटिक्स एक प्राचीन खेल प्रक्रिया जो मानव की प्राकृतिक क्रियाओं पर आधारित है, जैसे कि चलना, कूदना, दौड़ना, फेंकना इत्यादि, लेकिन वर्तमान में इसको आधुनिक रूप दे दिया गया है और इसको एथलेटिक्स नाम दे दिया गया है। एथलेटिक्स में एथलोन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कॉम्पिटिशन या प्रतियोगिता। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं, दौड़ जैसे कि दौड़ प्रतियोगिताएं, कूद प्रतियोगिताएं और एवं फेंक प्रतियोगिताएं। और यह ट्रैक एवं फील्ड में इनको डिवाइडेड किया जाता है। ट्रैक इवेंट्स में सभी प्रकार की दौड़ें आयोजित की जाती हैं, और फील्ड इवेंट्स में सभी प्रकार की थ्रोइंग इवेंट और जंपिंग इवेंट्स। हेल्थ को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स के बारे में बताइए। जी सर, हेल्थ से तात्पर्य है व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, ना कि किसी रोग की अस्वस्थता का होना। और इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक और धार्मिक कारक हैं, जो कि हेल्थ को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक, जैसे कि कोई व्यक्ति समाज में रहता है तो उसकी हेल्थ उस हिसाब से प्रभावित होती है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कल्चर में पार्टिसिपेट होता है तो वहाँ पर उस व्यक्ति की हेल्थ पर अलग प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति मतलब मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो वह भी उस किसी के व्यक्ति को हेल्थ को बहुत प्रभावित करती है। वेरी गुड, हेल्थ से आपका तात्पर्य क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ
फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एनी इंडिविजुअल नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज अकॉर्डिंग टू WHO। इसका तात्पर्य है व्यक्ति का सामाजिक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है ना कि किसी रोग की अस्वस्थता का होना WHO के अनुसार। और एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटीज होती है? एक अच्छा लीडर होता है वो सबसे पहले इंटेलिजेंट होता है जिससे कि वो सही समय पर सही निर्णय ले सके और वह सेल्फ डिसिप्लिन होता है जिससे कि वो अपने अनुयायियों को फॉलोअर्स को एग्जाम्पल दे सके और वह मोटिवेटेड रहता है हमेशा और करेजियस रहता है, साहसी होता है जिससे कि वो कठिन परिस्थितियों में भी उसको आसानी से संभाल सके और वह सामाजिक होता है। और न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं? न्यूट्रिशन से तात्पर्य जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो भी फैक्टर होते हैं जो हमारे बॉडी को लिए इम्पोर्टेंट होते हैं आप हमारे फूड में जो पाए जाते हैं उन्हें न्यूट्रिशन कहते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में भी बताइए और उसके टाइप्स भी बताइए मुझे। स्पोर्ट ट्रेनिंग से तात्पर्य एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत एक प्लेयर को किसी आगामी कॉम्पिटिशन के लिए या प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाता है जिससे कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, उसे स्पोर्ट ट्रेनिंग कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज माइक्रो ट्रेनिंग जो 2 से 10 दिन की होती है, सेकंड इज मीजो ट्रेनिंग जो 2 से 3 सप्ताह की होती है एंड थर्ड इज मैक्रो ट्रेनिंग जो कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक की होती है। चलिए मिस्टर अमित, हैव योर क्वेश्चन। जी सर, आप क्या समझते हैं? सॉरी सर, वन सेकंड क्वेश्चन। पेरियडाइजेशन से आप क्या समझते हैं? सॉरी सर, आप बता सकते हैं मिस्टर अमित? जी सर, पेरियडाइजेशन है जो 3 प्रकार का होता है। जी सर, एक कम्पिटेंस फेज होता है और सबसे पहला इसमें प्रिपरेशन फेज, सेकंड कम्पिटेंस फेज, थर्ड इसमें संक्रमण काल मतलब रेस्टिंग का फेज। प्रिपरेशन फेज में क्या होता है कि खिलाड़ी को हम लंबे लॉन्ग समय के लिए तैयार किया जाता है। सेकंड फेज जो होता है कम्पिटिशन फेज जो आता है उस दौरान खिलाड़ी को हम कम्पिटिट के मद्देनजर रखते हुए उसको फास्ट ट्रेनिंग देते हैं। थर्ड फेज इसका आता है संक्रमण काल जिसमें हम रेस्टिंग के दौरान उसको जैसे कोई खिलाड़ी है उसको हमने ज़्यादा ट्रेनिंग कराई है और वो कम्पिटिशन खेल के आ चुका है तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा 1 मंथ के लिए या 4 वीक के लिए उसको रेस्ट दिया जाता है ताकि हम उसको नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर कर सकें। जी सर, थैंक यू। स्ट्रेंथ्स के टाइप्स बता सकते हो? जी सर, बताइए। स्ट्रेंथ के टाइप्स है सर, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ओके, सेकंड इज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड थर्ड इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ओके, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो किसी व्यक्ति की जब वो एक साथ फोर्स लगाता है अगेंस्ट किसी रेजिस्टेंस के खिलाफ एक साथ फोर्स लगाता है, मैक्सिमम फोर्स लगाता है उसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहते हैं। और सेकंड है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, इसमें कोई व्यक्ति जब किसी रेजिस्टेंस के खिलाफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगाता है लेकिन विद टाइम विद स्पीड, ओके, स्पीड के साथ। और थर्ड है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, जो व्यक्ति किसी लंबे समय तक कोई वर्क को करता है बिल्कुल उसे एंड्योरेंस स्ट्रेंथ कहते हैं। और कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस? कंपोनेंट ऑफ फिटनेस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, सेकंड है मोटर स्किल रिलेटेड फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस होती है वो जनरल फिटनेस होती है जो व्यक्ति की ऐसे रनिंग है, जंपिंग है एंड बैलेंस। और जो मोटर स्किल रिलेटेड फिटनेस होती है जो व्यक्ति किसी गेम के हिसाब से कोई व्यक्ति के पर्टिकुलर गेम के हिसाब से उसकी अलग फिटनेस होती है उसे मोटर स्किल रिलेटेड फिटनेस कहते हैं। जैसे व्यक्ति बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, स्पीड है, एजिलिटी है एंड स्पीड एजिलिटी बैलेंस कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। गुड, ओके। अब आप मुझे, आप मध्य प्रदेश से हैं? जी सर, शुरू से ही वहाँ रह रहे हैं। जी सर, तो MP के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सर, के बारे में बताएं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 को की गई थी, 1 नवंबर 1956 को की गई थी और इसकी राजधानी भोपाल है। इसके प्रथम मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल थे और प्रथम गवर्नर श्री पिट्टावी सीतारमैया थे। ओके, मध्य प्रदेश में 51 जिले हैं और इसके मुख्यमंत्री वर्तमान में श्री शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर श्री आनंदीबेन पटेल हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी मैंने क्वेश्चंस पुट अप किए थे आपने लगभग सारे मुझे आंसर। और मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तो आई होप दिस मेनी क्वेश्चंस वर गुड विद द कैंडिडेट। कीप इट अप, शाबाश, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।